फैरी से हूँ। आज ही हम आए हैं प्रिंसेस आइलैंड घूमने के लिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। काफ़ी सुना था इस आइलैंड के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना विज़िट किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। काफ़ी रश है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा साइड पे आया हूँ। आज गर्मी बहुत है तो थोड़ा छाँव में आ गया हूँ मैं, और इसलिए थोड़ा सा दूर होकर बात कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर आए। काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये, इस्तांबुल के साथ बिल्कुल ही साथ। ये तकरीबन तीन आइलैंड लगते हैं, चार आइलैंड लगते हैं। इसका नाम प्रिंसेस आइलैंड है और काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये, तो कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी जगह आपको दिखा सकूँ। अच्छा, अभी मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका नाम आइलैंड का अदलार है, लेकिन इसको फेमस जो है ये प्रिंसेस आइलैंड के नाम से है। और चले आए विज़िट करते हैं, आपको दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा आपको अच्छी से अच्छी जगहें दिखाऊँ यहाँ पे। पाकिस्तान में लोग मरी में मरी वाली साइड पे घर ले लेते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए मरी चले जाते हैं। इसी तरह इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर तुर्किश लोगों ने इस आइलैंड पे घर लिए हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत घर हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, और वो रेंट आउट भी करते हैं। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आता है वो यहाँ पर कुछ दिन रहता है। पूरा आइलैंड काफ़ी बड़ा, इन्जॉय करते हैं। मैं पूरा आइलैंड तो घूम नहीं सका क्योंकि काफ़ी बड़ा है, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग बसेस बुक करवा लेते हैं, छोटी छोटी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक मिनी बस और रिक्शा हैं छोटे छोटे, और साथ में साइकिल हैं, साइकिल बुक कराते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। क्योंकि इसके बिना यहाँ पे पूरे आइलैंड पे घूमना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पैदल घूमेंगे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा आइलैंड घूमने के लिए, पर आइलैंड ख़त्म नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोशिश करूँगा आपको अच्छी से अच्छी जगहें दिखा सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।